हुआ है हसन नसरल्ला, डरा हुआ है लेबनान का हिजबुल्ला संगठन। नसरल्ला को मार डालेगा इजराइल। हसन नसरल्ला इजराइल का दुश्मन नंबर दो, हिजबुल्ला का चीफ। इजराइल के खिलाफ नसरल्ला ने हमले का ताजा ऑर्डर जारी किया है। इस ऑर्डर के बाद हिजबुल्ला के लड़ाकों ने इजराइल पर 60 रॉकेट दागे हैं। التعزية بأخينا الحبيب والعزيز القائد الكبير الشيخ صالح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورفاقه القادة والكوادر في القسام وفي حماس الذين استشهدوا بالأمس في عدوان إسرائيلي فاضح على الضاحية الجنوبية لبيروت. हसन नसरल्ला जिस तरह से एक्शन में है उसे देखकर लगता है कि इजराइल ने नंबर टू टारगेट सेट कर दिया है। हमास का खात्मा करते करते इजराइल लेबनान में हिजबुल्ला के लड़ाकों को चुन चुन कर मारने वाला है। नसरल्ला खुल्लम खुल्ला इजराइल की ताकत को चैलेंज कर रहा है, बदला लेने की धमकी दे रहा है। जी बदला, उस हमास के नेता के मारे जाने की जो लेबनान में छिप कर बैठा था। इजराइल की सेना ने हमास के इस लीडर की तलाश की और मिलते ही बेरूत में मौत की नींद सुला दिया। في ابتغاء القوم ان من اعظم ما يمكن ان يتمناه الانسان او من اشرف ما يمكن ان يحصل عليه الانسان ان يكون موته قتلا وعلى يد من؟ على يد قتلة الأنبياء وهذا هو حال شهدائنا في هذه الأيام ما له صلة أيضا بالمناسبة ما حصل اليوم في جوار الموقد الطاهر आपको आगे दिखाएंगे कि हिजबुल्ला संगठन ने इजराइल के क्रोध से बचने के लिए कौन सी प्लानिंग की है। लेकिन उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि जब नसरल्ला ने कहा कि इजराइल को छोड़ेंगे नहीं तो इजराइल ने क्या प्रतिक्रिया दी है। जवाब में इजराइल ने कहा है कि हमले में हमास के उप प्रमुख की मौत लेबनान पर हमला नहीं था, हमास के नेतृत्व के खिलाफ की गई एक सर्जिकल स्ट्राइक में सालेह अल अरूरी की मौत हो गई। ২০০৬ के बाद यह पहली बार है जब इजराइल की फौज लेबनान में घुसी और अरूरी को मार डाला। हिजबुल्ला के लिए यह बेहद शर्मनाक है कि उसके रहते हुए इजरायली सेना उसके इलाके में घुसकर उसके चहेते अरूरी को मार डाला। हसन नसरल्ला के बारे में आप जानेंगे तो आपको अंदाजा लगाने में मुश्किल नहीं होगी कि अब नसरल्ला का अगला कदम कितना खून बहाने वाला होगा। والأطفال حيث قضى عدد كبير من الشهداء يعني لآخر متابعة لإلي تجاوز العدد 80 شهيدا وأكثر من 160 جريحا أيضا نتوجه إلى عائلاتهم جميعا بالعزاء هؤلاء شهداء شهداء نفس الطريق نفس القضية सालेह अल अरूरी हमास के टॉप कमांडरों में एक था और इजरायली सेना के हिट लिस्ट में शामिल था। 57 वर्षीय अरूरी लेबनान में निर्वासन की जिंदगी बिता रहा था। इजरायली सेना को काफी दिनों से इसकी तलाश थी। अरूरी पिछले 4 वर्षों से आईडीएफ के निशाने पर था। मौका
मौका मिलते ही अरूरी को इजरायली सेना ने मार डाला। कहा जा रहा है कि अरूरी इजरायल के ड्रोन हमले में मारा गया। अरूरी हमास और हिजबुल्ला के बीच एक कड़ी था। अरूरी के संपर्क सूत्रों के चलते ही हिजबुल्ला उसका खुलकर समर्थन करता रहा, लेकिन इजरायल ने नसरल्ला के सबसे करीबियों में से एक को मार उसे बहुत बड़ा झटका दे दिया है। लिहाजा नसरल्ला बदले की आग में जल रहा है। इजरायल के भय से नसरल्ला बाहर सार्वजनिक रूप से नहीं दिखता, लेकिन उसके बारे में जो जानकारी है वो ये है कि हसन नसरल्ला एक शिया आलिम मतलब धार्मिक विद्वान है जो लेबनान में हिजबुल्ला ग्रुप के प्रमुख है। इस प्रमुख को इस समय लेबनान के सबसे अहम राजनीतिक दलों में गिना जाता है, जिसकी अपनी सशस्त्र विंग भी है। हसन नसरल्ला लेबनान के साथ साथ दूसरे अरब देशों में भी लोकप्रिय है। ईरान और अली खामनेई के साथ बहुत निकट के और विशेष संबंध है। हिजबुल्ला को अमेरिका की ओर से आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल किया गया है। हिजबुल्ला का मकसद इजरायल की बर्बादी है। इजरायल भी हिजबुल्ला को हमास से ज्यादा शक्तिशाली दुश्मन मानता है। ये भी क्लियर है कि बिना हिजबुल्ला के सफाए के या किसी शांति समझौते के इजरायल चैन से नहीं जी पाएगा, क्योंकि हिजबुल्ला इजरायल के खिलाफ हमले करने से बाज नहीं आएगा। हिजबुल्ला के पास हथियारों का बहुत बड़ा भंडार है, जिसमें ऐसी मिसाइलें शामिल हैं जो इजरायली इलाकों में दूर तक हमला कर सकती हैं। इसके पास हजारों प्रशिक्षित लड़ाके हैं। इसराइल के मुताबिक हिजबुल्ला के करीब 45,000 लड़ाके हैं। हिजबुल्ला के पास 1,20,000 से 1,30,000 मिसाइलें हैं। इनमें तमाम लंबी दूरी तक मार करने वाली भी शामिल हैं। इसके अलावा हिजबुल्ला के पास एंटी टैंक हथियार, मानव रहित ड्रोन, एंटी शिप मिसाइलें और हवाई रक्षा प्रणाली मौजूद है। जाहिर है इजरायल को गाजा से भी ज्यादा मुश्किल आएगी अगर हिजबुल्ला के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया तो, लेकिन मुश्किल है कि हिजबुल्ला को रोकने के अलावा इजरायल के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यही वजह है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कह रखा है कि अगर हिजबुल्ला इस विवाद में दूसरा मोर्चा खोलता है तो उसको अकल्पनीय जवाब दिया जाएगा। सवाल बनता है, तो क्या लेबनान के खिलाफ इजरायल जंग का ऐलान करने ही वाला है? अगर ऐसा होता है तो फिर ईरान आएगा, वही ईरान जिसने हमास को मुश्किल के वक्त छोड़ दिया। ईरान इजरायल के हमले के वक्त हिजबुल्ला के साथ खड़ा होगा। इन सवालों का जवाब एक लाइन में नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा अरब वर्ल्ड ऐसे ही हिजबुल्ला, हमास और हूथी विद्रोहियों को इजरायल के खिलाफ उतारता रहा है। इजरायल के खिलाफ गोले और रॉकेट बरसाने वाले ये तीनों संगठन सिर्फ हथियारबंद संगठन नहीं है, बल्कि अरबों के इजरायल के खिलाफ विरोध का प्रतीक है। ईरान खुलेआम हिजबुल्ला का समर्थन करता है, हूथी विद्रोहियों का साथ देता है, हमास को हथियारों की सप्लाई करता है। लिहाजा ये बात तो बहुत साफ है कि इजरायल को फाइनली ईरान से ही दो दो हाथ करना होगा, तभी इजरायल को सुकून मिलेगा। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ईरान अब 70 के दशक वाला ईरान नहीं है। उसके पास भी कहा जाता है कि परमाणु बम है। अब ध्यान दीजिए कि हिजबुल्ला के चक्कर में कैसे ईरान और इजरायल के बीच परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। लेबनान और हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला के पास लड़ाके हैं, ईरान का समर्थन है, हथियार है, लेकिन गौर करने वाली बात है कि पूरा लेबनान हिजबुल्ला के साथ नहीं है। पूर्ण युद्ध लेबनान के लिए विनाशकारी होगा और इसके लिए जनता का समर्थन बहुत कम है। इसका कारण है कि लेबनान वर्षों से अधिक संकट का शिकार है। राजनीतिक गतिरोध की वजह से उचित ढंग से काम करने वाली सरकार तक नहीं है। लेबनान की जनता पहले से गृहयुद्ध, सशस्त्र गुटों के बीच आंतरिक लड़ाई, इजरायल के साथ संघर्ष और पड़ोसी सीरिया में युद्ध के चलते मुश्किलों से गुजरती रही है। 60 लाख की आबादी वाले इस देश के पास इजरायल सरीखे कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो इजरायल और अमेरिका का एक साथ सामना कर सके। इसराइल से संघर्ष के बीच लेबनान के सैकड़ों लोग अपने घरों के अंदर रहने या बेरूत के दूसरे शहरों की ओर भागने के लिए मजबूर हुए हैं। लेकिन हिजबुल्ला इस तरह के पलायन से इसराइल के खिलाफ हमला बंद नहीं करने वाला। लेबनान और इसराइल के बीच की दुश्मनी भी नई नहीं है।
2006 में हिजबुल्ला ने दो इजरायली सैनिकों को पकड़ लिया था। हिजबुल्ला इसके बदले इजरायली कैद में बंद अपने लड़ाकों को छुड़वाना चाहता था, लेकिन इजरायल ने शर्त मानने की जगह हिजबुल्ला के नेता हसन नसरल्ला के घर पर बमबारी करके जवाब दिया। इसके बाद दोनों के बीच 34 दिनों तक युद्ध चला। इस जंग में 1100 लेबनानियों की मौत हुई जबकि 165 इजरायली मारे गए थे। 7 अक्टूबर 2023 के हमले से पहले इजरायल लेबनान बॉर्डर करीब करीब शांति रहा। कभी कभार लेबनान की तरफ से इजरायल में ड्रोन और रॉकेट से हमले होते रहे, जबकि इजरायल ने 2007 से 2022 तक 22,000 बार लेबनानी वायु सीमा का उल्लंघन किया है। इजरायल ने पहले से ही क्लियर कर रखा है कि हमास के आतंकी धरती के किसी भी कोने में छुपे होंगे, उनकी तलाश की जाएगी और उनका खात्मा किया जाएगा। अरूरी को बेरूत में घुसकर मारना इसी कड़ी में है। यही कारण है कि हमास के नेता कभी कतर, कभी ईरान तो कभी लेबनान में ठिकाने बदलकर अपनी जान बचा रहे हैं। दूसरी तरफ इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इन सारे नेताओं को ट्रैक करने के लिए अपनी टीमें लगा रखी हैं। कतर और ईरान में हमास के नेताओं पर हमले से युद्ध भड़क सकता है, लिहाजा इजरायल हमास के नेताओं के लेबनान जैसे देशों में आने का इंतजार करता है। ऐसा ही हमास के डिप्टी चीफ अरूर के साथ भी हुआ। जब तक कतर में था सुरक्षित था, लेकिन ईरान से होता हुआ जब लेबनान पहुंचा तो ड्रोन हमले में मारा गया। इजरायल का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, कतर और ईरान से अभी उलझना नहीं, हिजबुल्ला हमास और हुथी को छोड़ना नहीं।